हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्वालापुरम साइट के बारे में, जो कि एक मिडल बेल्ट साइट है आंध्र प्रदेश की। ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है कि इस बार भी पूछे, और अगर नहीं भी पूछेगा तब भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ मतलब आपको ऑलरेडी के बारे में पता होगा, बट थोड़ा सा मैं आपका नॉलेज और इंक्रीज करना चाहूँगा इस साइट के बारे में। देखते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वालापुरम साइट के बारे में। बेसिकली ये एक गांव है, मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में विलेज कहते हैं, ठीक है। ज्वालापुरम जो साइट है इसका नेम है, मतलब दूसरा नाम इसे सिटी ऑफ फायर भी कहते हैं। इसका जो मीनिंग है सिटी ऑफ फायर कहते हैं। आपको पता है जब भी किसी साइट का कोई नाम रखा जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि जैसे आपने वाराणसी का नाम सुना होगा, तो वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक वरुणा और एक असी। इन दोनों नदियों के मिलके उसका नाम पड़ा वाराणसी, ठीक है। द सेम वे ज्वालापुरम का नाम है सिटी ऑफ फायर, तो इसका मतलब कुछ तो फायर से इसका संबंध है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, साउथ इंडिया में। ये इसका लोकेशन हो गया। एक टाइम पे यहाँ पे जो है कि बहुत बड़े लेवल पे जो है कि आग लगी हुई थी, ठीक है। कैसे लगी हुई थी, क्या लगी हुई थी, सब कहानी को देखते हैं आगे। ये कहाँ पे है? जुरेरू रिवर वैली में है, ठीक है। ये साइट जो है किस रिवर वैली में है? जुरेरू। यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको मिल रहा है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहाँ से आपको मिल रहा है कॉन्टिन्यूअस सिक्वेंस ऑफ मिडल पैल्टिक टू आयरनेस, मतलब मिडल पैल्टिक से लेकर के आपको आयरनेस तक का कॉन्टिन्यूअस सिक्वेंस मिल रहा है। इवन आयरनेस के पहले यहाँ पर आपका क्या था? नियोलिथिक था, ठीक है। तो इसका मतलब मिडल पैल्टिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर आयरन एज, इस तरीके से यहाँ पे कल्चरल सीक्वेंस है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स मिल रहे हैं, मतलब सिल्डर्स मिल रहे हैं, सैकड़ों सिल्डर्स यहाँ पे हैं रॉक के, जहाँ पे रॉक पेंटिंग्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। इस साइड का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पता है? यहाँ पे सीन ये है कि द प्रेजेंस ऑफ वॉल्केनिक टफ, जिसे YTT कह रहे हैं। YTT का मतलब होता है यंगेस्ट टोवा टफ। यहाँ पे जो है कि वॉल्केनिक एस का डिपॉजिट मिला है इस साइट पे, जिसकी डेटिंग है 74 KA। के का मतलब होता है हज़ार, मतलब 74,000 साल पहले, मीन्स 74,000 ईयर बैक का आपको यहाँ पे एविडेंस मिल रहा है। वॉल्केनिक एस डिपॉजिट मिल रहा है कहाँ पे? अलुवियल डिपॉजिट मिल रहा है, कंटेनिंग बरिड मिडल पैलिथिक, मतलब मिडल पैलिथिक चीज़ों को समेटे हुए है, ठीक है। ये जो है इरप्शन हुआ, देखते हैं आगे इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि यहाँ से और क्या मिल रहा है। ओल्डेस्ट वेल डेटेड मिडल पैलिथिक असेंबलेज येट नोन फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया से जो है कि इस साइड पे वेल डेटेड मिडल पैलिथिक असेंबलेज मिल रहा है। असेंबलेज मतलब जो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ओके। एक्सक्वेटेड बाई, किसने साइड को एक्सक्वेट किया है उनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। प्रोफेसर रवि गोरुशेट्टार एंड माइकल पेट्रागलिया। प्रोफेसर रवि गोरुशेट्टार जो है कि कर्नाटका इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे, रिटायर हो चुके हैं, और माइकल पेट्रागलिया जो है कि ये प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। इनका जो विषय है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन पे इनका काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो साइट है इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। इस शहर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसके बारे में हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वाई दिस साइट इज इम्पोर्टेंट? क्यों? क्योंकि दिस साइट जो है, ये जो साइट है, दिस साइट चैलेंज आउट ऑफ अफ्रीकन थ्योरी। आपको पता है कि जो वेस्टर्न के जो स्कॉलर्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। उनका मानना यह है कि भारत में जो है कि मानव 50,000 साल पहले, 50,000 के पहले थे ही नहीं, ठीक है, ये वो दावा कर रहे थे। तो उनका दावा यहाँ ये साइट खारिज करता है। इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, इसके बारे में बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये। इट वॉज इनिशली अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट ह्यूमन रीच्ड इन इंडिया आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका अराउंड 50,000 ईयर एगो। वही बात जो मैंने आपसे कही कि जो वेस्टर्न कल्चर के वेस्टर्न जो आर्कियोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनका मानना है कि इंडिया में दो वेव में, मतलब
दो बार में आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ, मतलब वहाँ से जो मानव थे वो इंडिया में एंट्री किए दो बार, एक पहली बार वो किए थे 1,20,000 के आसपास, सेकेंड 50,000 के आसपास, ऐसा वो मानते हैं। तो उसको यहाँ पे चैलेंज दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं आगे। अबाउट 74,000 ईयर एगो अ सुपर वॉल्केनो इरप्टेड माउंट टोबा ऑन द मॉडर्न डे आइसलैंड ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया, मतलब लगभग 74,000 साल पहले एक सुपर वाल्केनो, सुपर वाल्केनो का मतलब है कि जो वाल्केनो से लगभग 100 गुना तगड़ा था, मीन्स स्ट्रॉन्गर मोर देन 100 टाइम्स, ठीक है, इरप्टेड माउंट टोबा। माउंट जो है कि एक माउंट है टोबा, टोबा मतलब माउंट का नाम है, ठीक है, जहाँ पे कि इरप्शन हुआ, इंडोनेशिया सुमात्रा, लोकेशन इसका है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, वॉल्केनो वॉज एक्टिव फॉर 10 ईयर्स, कब तक एक्टिव था, 10 सालों तक कंटिन्यूस एक्टिव, एंड इट टुक कूल डाउन टू 10,000 ईयर, मतलब 10,000 साल इसको ठंडा होने में लगा, मीन्स इट टुक कूल डाउन टू 10,000 ईयर, इट मीन्स कि ये छोटा मोटा वॉल्केनिक इरप्टन नहीं, इरप्शन नहीं था, ये बहुत बड़े लेवल पे था। और मैं आपको बता दूं कि जब ये इरप्शन हुआ उस समय जो है कि पूरी तरीके से आसमान एकदम काले बादलों से छा गए थे, इवन जो वाल्केनिक एस थे वो पूरी तरह से आसमान को ढक लिए थे, और ऊपर का जो सन की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें, वो धरती पर नहीं आ पा रही थी, तो एक तरह से जो है कि पूरा माहौल ही चेंज हो गया था, बात समझ रहे हैं, फॉर 10,000 ईयर के लिए। एंड इट कवर्स साउथ चाइना सी इन द वेस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, मतलब अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैक्सिमम पार्ट इस सुपर वाल्केनो के एस्ट डिपॉजिट से कवर हो चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं कि ज्वालापुरम में क्या मिला है। एक्सक्रेशन एट ज्वालापुरम इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश सोन दैट लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज कवर्ड इन 1 to 3 मीटर, मतलब समझ रहे हैं आप, 1 से लेकर 3 मीटर तक के जो है कि वॉल्केनिक एस्ट डिपॉजिट हुए, कहाँ पर हुए, ज्वालापुरम में, और वो अगल बगल साइड पे भी हुए, चूंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी पार्ट को कवर किया हुआ था, तो बेसिकली वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। एज थ्रू दिस पीरियड, मतलब 74,000 साल पहले जो है कि 1 to लेकर 3 मीटर तक के जो है कि एस डिपॉजिट हुए। बट द रियली बिग डिस्कवरी वॉजन जस्ट फाइंडिंग द डेटिंग ऑफ दैट इज जस्ट एबव दैट ह्यूज लेयर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स मेड बाई अर्ली ह्यूमन्स डेटेड 74,000 के। तो यहाँ का इम्पोर्टेंस क्या है कि जो साइट ज्वालापुरम है यहाँ पर एस डिपॉजिट तो आपको मिले ही हैं 1 से लेकर के 3 मीटर तक, लेकिन जस्ट उस लेयर के ऊपर अर्ली ह्यूमन के द्वारा बनाया गया सैकड़ों टूल, डिफरेंट टाइप के टूल्स मिले, जिससे ये साबित होता है कि 74,000 साल के पहले भी यहाँ पर मानव मौजूद थे, वो कोई अफ्रीका से नहीं है। इस साइट का जो मेन मोटो है वो यही है। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि रिसेंटली जो है कि 2017 में, मीन्स 2017, आर्कियोलॉजिस्ट इन मोरक्को, मोरक्को कंट्री को पता ही है, एक्सक्यूटेड एन स्कल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, मतलब उनको मॉडर्न ह्यूमन का एक स्कल मिलता है जो कि होमोसेपियंस है, केव का नाम है जेबिल, इसको आप पढ़ लीजिएगा जो भी हो, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है, डेटिंग बैक टू अराउंड 3 लाख, मतलब केव जेबिल से होमोसेपियंस का क्या मिल रहा है, ह्यूमन स्केल्टन मिल रहा है, मतलब स्कल मिल रहा है, स्केल्टन नहीं, स्कल मिल रहा है, कहाँ, मोरक्को से मिल रहा है, जिसकी रेटिंग है 3 लाख साल, मतलब 3 लाख साल पहले मॉडर्न होमोसेपियंस मोरक्को में मौजूद था, ठीक है, और ये वर्ल्ड में अभी तक का सबसे अर्लीस्ट डेट है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और केव जेबेल को मत भूलिएगा जो कि मोरक्को में है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दिल करे तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।